तो फ्रेंड्स, UDCRA में आपका स्वागत है। अभी हम बात करेंगे एसएक्स और सुर के मैच की। फ्रेंड्स, तो मैं आपको बता दूं, फ्रेंड्स मैं अपनी बाकी सभी वीडियोस ऊपर अपलोड कर चुका हूं। आपको मेरे UDCRA चैनल में ये सभी वीडियोस मिल जाएंगी और आप अपनी टीम सेट कर सकेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी हम बात करते हैं अभी एसएक्स और सुर के मैच की, जिसका मैंने जो जो प्लेयर लिया उसका मैं बिहाइंड उसके रीज़न बताऊंगा कि मैंने वो प्लेयर क्यों लिया, और अगर मैंने कोई प्लेयर नहीं लिया है तो उसका भी मैं आपको रीज़न बताऊंगा। स्टिक मैंने प्लेइंग 11 रखी है, कप्तान वाइस कप्तान स्टिक रखा है। आपको ही वही प्लेयर्स लेने हैं, कोई मैं एडिशनल प्लेयर की आपको चॉइस नहीं दूंगा फ्रेंड्स। और हो सकता है ग्रैंड लीग की मैं एक दो टिप्स आपको दे दूँ जो आपके काम आएंगी। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अभी ड्रीम 11 की टीम देखने। एडम विटर फ्रेंड्स, अब देख सकते हैं हमने इन्हें क्यों लिया, मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो एडम विटर और बेन फॉक्स दोनों प्लेयर अच्छे हैं, मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स। बेन फॉक्स ने अभी पिछले मैच में अर्धशतक लगाया था और एडम विटर का भी अच्छी परफॉर्मेंस थी, तो मैं आपको दिखाता हूं कि मैंने एडम विटर को क्यों लिया है। तो एसएक्स के मैच पर चलते हैं फ्रेंड्स, चेक करते हैं एसएक्स का मैच कब हुआ था। तो 25 तारीख कल ही हुआ है फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स एसएक्स का। अब देख सकते हैं फ्रेंड्स, एडम विटर ओपनर आते हैं और काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं। पिछले मैच में चाहे 12 रन थे लेकिन इनके क्रेडिट बता रहे हैं कि इनके प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा है, तो इसीलिए मैंने एडम विटर को बेन फॉक्स के ऊपर लिया है। बिकॉज बेन फॉक्स 2 या 3 डाउन पे आते हैं, ये भी इनका भी मैं आपको बता सकता हूँ, बेन फॉक्स का भी। इनका देखते हैं सरी का मैच कब हुआ था, 23 तारीख का फ्रेंड्स इनका मैच था। तो 23 तारीख में हम चलते हैं सरी का मैच ढूंढते हैं अभी यहाँ पे। ये रहा फ्रेंड्स सरी का मैच, ये देखिए फ्रेंड्स बेन फॉक्स थोड़ा सा नीचे आ रहे हैं, 5वें नंबर पे आ रहे हैं। अब आप चाहे तो ले सकते हैं लेकिन ये फिनिशिंग करने के लिए आ रहे हैं, और एडम विटर जो कि ओपनर है तो उनके पास ज़्यादा बॉलें होंगी खेलने के लिए, इसीलिए हमने एडम विटर को लिया। आपको भी इसे ही लेना है। कुक बाहर हैं अभी, टेस्ट मैच में बिजी हैं। वरुण चोपड़ा, पिछले मैच में मैंने कहा था कि आप इसे कप्तान वाइस कप्तान बनाना, और ये देखिए इन्होंने क्या कर दिया पिछले मैच में। तो फ्रेंड्स, इस मैच में भी यह हमारे वाइस कप्तान या कप्तान रहेंगे। एल्गर का भी परफॉर्मेंस अच्छा आ रहा है। ये कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं, ये कुछ ऐसे बैट्समैन हैं फ्रेंड्स जिनके बारे में कुछ दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और पिछले मैच में फ्रेंड्स जेसन रॉय भी खेले, पर मुझे नहीं पता कि एक मैच में अगर प्लेयर नहीं चला तो उसे इतने कम लोगों ने क्यों लिया है, जबकि जेसन रॉय का सभी जानते हैं कि जेसन रॉय क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स ओपनर है, अगर कोई 0 पे आउट हो रहा है तो दैट डजंट मीन कि उसे हमने नहीं लेना। मैं आपको एडवाइस करूंगा आप ग्रैंड लीग में जेसन रॉय को पक्का कप्तान बनाएं, और मैं गारंटी देता हूँ कि आपके पैसे खराब नहीं जाएंगे फ्रेंड्स। उसके बाद टॉम वेस्ले को देखते हैं, इनकी भी परफॉर्मेंस फ्रेंड्स अच्छी आ रही है। मैंने एसएक्स के प्लेयर को इसीलिए लिया इसे बिकॉज ये 1 डाउन पे आते हैं, और जो प्लेयर तीसरे नंबर पे आता है फ्रेंड्स वनडे में उसकी अहमियत सबसे ज़्यादा होती है, इसीलिए मैंने इन्हें लिया है। 4 प्लेयर हमारे पूरे हो चुके हैं फ्रेंड्स। रोनी बर्न्स को हमने नहीं लिया है, लॉरेंस को भी हमने नहीं लिया है, बॉर्थविक को भी हमने नहीं लिया है। बपारा का फ्रेंड्स बताने की ज़रूरत नहीं है, इनके क्रेडिट बोल रहे हैं कि ये क्या करते हैं। उसके बाद रिकी क्लार्क को मैंने नहीं लिया, उसकी जगह मैंने सरी के ही सैम करन को लिया है, बिकॉज सैम करन के पॉइंट्स अच्छे हैं और मैंने बॉलर के लिए, आप ये मत समझना कि मैंने बैटिंग पॉइंट ऑफ व्यू सैम करन को लिया है, मैंने इन्हें बॉलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से लिया है, बिकॉज मेरे पास सरी के और कोई बॉलर थे ही नहीं, तो मैंने इन्हीं 2 बॉलर्स को कवर किया है, सरी के सैम करन और विल जैक्स को, और एक मैंने शायद बॉलिंग सेक्शन में लिया है, वो मैं आपको बताऊंगा। विल जैक्स ने पिछले मैच में अच्छी परफॉर्मेंस थी, शायद इन्होंने शतक बनाया पिछले मैच में, तो इन्हें तो हमारा लेना बनता ही बनता था। मैं आपको बता दूँ ये ओपनर है, और 8 क्रेडिट में हमें ओपनर मिल रहा है फ्रेंड्स जो शतक भी लगा के आया, तो आप समझ सकते हैं कि कितना अच्छा प्लेयर हमें मिल रहा है। जायदी को मैंने नहीं लिया है, आपको भी नहीं लेना है। सैम करन का मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, सरी का मैच है, सरी का ओपन करते हैं फ्रेंड्स हम। इन्होंने 2 विकेट्स लिए थे, ये देखिए 121 रन थे। विल जैक्स का भी आपको दिखा देता हूं मैं फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स सैम करन फ्रंट लाइन बॉलर है इनके, इसीलिए हमने इन्हें लिया है। डरबैच को मैंने लिया है एक, और मैं आपको बता दूंगा अभी फ्रंट लाइन बॉलर ही मैंने कवर किए हैं। ये देखिए फ्रेंड्स डरबैच को मैंने लिया है,
जो फ्रंट लाइन बॉलर है इनका मैं आपको दिखा चुका हूँ फ्रेंड्स, ये देखिए 57 रन देखिए 1 विकेट। उसके बाद एसेक्स के वैगनर को लिया है, इनके भी फ्रेंड्स पॉइंट बोल रहे हैं कि मैंने इन्हें क्यों लिया है, एक में नहीं चले, मुझे लगता है मैच हुआ था नहीं हुआ था मेरे याद नहीं अभी। उसके बाद एक और बॉलर हमने लिया, हार्मर की जगह फ्रेंड्स मैंने डरबैच को लिया, मैं आपको पहले ही बता दूँ, बिकॉज एसेक्स के मैं पहले ही बहुत बॉलर ले चुका हूँ तो और मुझे नहीं चाहिए। और शायने शेटर को लिया, पिछले मैच में फ्रेंड्स 4-5 विकेट, मुझे लगता है 5 विकेट हॉल किया है इन्होंने एसेक्स का। एक बार चेक करते हैं फ्रेंड्स, यस फ्रेंड्स आई एम राइट, 5 विकेट्स इन्होंने लिए हैं, तो आप समझ सकते हैं इनकी क्या इंपॉर्टेंस है। सेंटर को हमने लिया है, तो फ्रेंड्स उसके नीचे हमने कोई प्लेयर नहीं लिया। कप्तान जैसे मैंने बताया वरुण चोपड़ा और रवि बवारा, ये आपके लिए बेस्ट चॉइस है फ्रेंड्स। एक बार मेरी टीम का प्रीव्यू आप देख सकते हैं, ये देखिए फ्रेंड्स दोनों टीमों के बैट्समैन प्लस बॉलर्स दोनों मैंने कवर कर लिए हैं फ्रेंड्स, ताकि जैसी मर्जी लीग हो मुझे अच्छे से अच्छे क्रेडिट मिले दोनों टीमों के। आप देख सकते हैं मेरे पास 3 बॉलर हैं, दोनों टीमों के 3-3 बॉलर हैं, और बैट्समैन भी दोनों टीमों के मेरे पास 4-4 बैट्समैन हैं फ्रेंड्स। सैम कुरन चलो ऑलराउंडर रहने देते हैं, नीचे आते हैं बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन लोअर ऑर्डर में ये भी हमारे पास बैट्समैन ही है फ्रेंड्स, जबकि दूसरी टीम के 4 बैट्समैन और यहाँ पर मेरे पास 3 है। तो फ्रेंड्स मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक भी कीजिए, अगर आप सजेशंस देना चाहते हैं तो कमेंट भी कीजिए, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।